हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज़ उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज की ये वीडियो में लेकर आया हूँ एक बहुत ही खुशखबरी और धमाकेदार न्यूज़ के साथ, जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। 50 नए केंद्रीय विद्यालयों को केंद्र की मंजूरी मिली। जी हाँ, और दोस्तों, जब 50 नए स्कूल्स ओपन होते हैं सो एजुकेशन तो मिलती ही है स्टूडेंट्स को, साथ में एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। और ये न्यूज़ मैं इन्हीं बातों से जोड़ रहा हूँ कि अब आपको 100, 200, 400 नहीं कई हज़ार वैकेंसीज देखने को मिलेंगी टीचर्स की, और तीनों ही पोस्ट के लिए PRT, TGT, PGT वेरी सून। ये बिल्कुल भी ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कैबिनेट का फैसला है, सेंटर का है, और KVS अपने आप में एक बहुत अच्छा लेवल रखता है, चाहे वो आप एजुकेशन सिस्टम से कह लीजिए या फिर सीखने के पर्पज से स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के लिए ही ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ये कंप्लीट न्यूज़ आपको एक मिनट में बता देता हूँ कि क्या है, कौन कौन से स्टेट्स में ये KVS ओपन होने जा रहे हैं। सो बस उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट अभी KVS हुआ था उसका कंप्लीट एज पर न्यू सिलेबस मैंने प्रिपरेशन कराया था, कि EVS के लिए भी, GS, GK के लिए भी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, EVS, मैथमेटिक्स, जितना भी हम करा सकते थे इन शॉर्ट टाइम पीरियड, वो सभी हमने कराया। और अब आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो DSSSB से जुड़े हुए हैं या KVS से जुड़े हुए, सभी की प्रिपरेशन हम कंटिन्यूटी में लेकर चलते हैं और एज़ पर सिलेबस लेकर चलते हैं। टॉपिक वाइज आप ये चीज़ें वीडियोज़ में कम्प्लीटली देख सकते हैं। सो अगर आप न्यू व्यूअर हैं सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएं। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड चैनल व्यूअर्स हैं सो वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि चैनल को ग्रो करने में इसे हेल्प मिले। मैं न्यूज़ एक बार कंटिन्यू कर देता हूं और देखिएगा, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप पढ़ सकते हैं यहां पर। यूपी बिहार समेत देश के 18 राज्यों में 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों, मानकर चलिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम ये चीज़ें नहीं लेंगी, स्कूल्स ज़्यादा ओपन होने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं एक बार लास्ट के पैराग्राफ पर आता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ ये स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। देखिएगा, वित्त मंत्री ने बताया कि ये स्कूल आसाम, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र तथा ओडिशा में खोले जाएंगे। और आपको पता है दोस्तों कि अपने आप में KVS एक बहुत अच्छा लेवल रखता है, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। और इसकी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी में रहिएगा, ऐसा नहीं है कि जब एडवर्टाइज आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा आप तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर एक्सक्यूजेज होते हैं कि हमने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमारा ये रह गया, ये नहीं कवर कर पाए हम। NCERTs पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने एक यही चीज़ नोटिस की है कि KVS स्कूल में कहीं कोई भी चीज़ जो एग्ज़ाम होता है KVS का, उसमें NCERT से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। मैंने कंप्लीट एग्जामिनेशंस के सॉल्यूशन भी दिए हैं, चाहे वो DSSSB का हो, KVS का हो, हाई कोर्ट का हो, SSC का हो, सभी एग्जामिनेशंस के जो भी ऑफलाइन होता है, जो मिल जाते हैं, उनका सॉल्यूशन दिया है, आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। सो प्लीज़ न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी वीडियोस। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आई होप आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।